और सीधे लिए चलते हैं हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के लिए आदेश देने पड़े थे और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। वास्तव में प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले 4.25 वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में शासकीय नौकरियों को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने के लिए आयोग और बोर्ड के माध्यम से जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कहते बन चुके थे और उसके कारण और निर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, सुस्ता और पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें, किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त ही होना ही चाहिए। ये जो सरकार की दुरिच्छा शक्ति थी आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2019 की परीक्षा के परिणाम के फलस्वरूप आज यहां वितरित हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मैंने 2017-18 के भी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आप देखिए कितना, यानी 17-18 के नियुक्ति पत्र भी 21 में ही हमने वितरित किए हैं और आज आपको भी हम नियुक्ति पत्र यहीं पर दे रहे हैं। यानी पहले और निर्णय के शिकार थे, अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रखकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है तो सरकार की भी यही मंशा है, आपसे सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है
कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर आएगा और इसलिए उस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने पर आप सभी को पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए। याद रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ के रूप में हम लोग प्रादेशिक सेवाओं को मानते हैं, क्योंकि उपजिलाधिकारी के रूप में आपके पास जो दायित्व आने हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ आपको विभिन्न तहसीलों में जाकर के वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। और याद रखना कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, एक कॉमन मैन की जो समस्या है, आधी से अधिक समस्या केवल राजस्व से संबंधित समस्याएं होती हैं। अपराध की प्रकृति में मैं बहुत बार देखता हूं कि गांव में या शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में जो विवाद होते हैं, उनके पीछे भी ये छोटे मोटे जो राजस्व से संबंधित विवाद होते हैं, जिसमें समयबद्ध निर्णय न होने के कारण हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनिर्णय का शिकार जब हो जाती है, तो उसका खामियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न होने पाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था, जिस व्यवस्था के हम पार्ट हैं वहां पर न दिखे। यह हम अगर अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हम अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, और जिस व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ भी हम न्याय करते हैं। और यही तो हमें करना होगा। आपको अब इस सेवा में आए हैं, इससे पहले आप क्या थे? आपका व्यक्तिगत जीवन था, आपका पारिवारिक जीवन था, आपका अपने एक मित्र मंडली थी, वो आपका व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है। लेकिन आज जब आप इस प्रशासनिक सेवा का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो फिर अपने पराये का भेद किए बगैर, अपने पूरे ज्ञान से, अपनी पूरी दक्षता से और अपने व्यवहार से हर एक व्यक्ति को न केवल सम्मान देना होगा, बल्कि न्याय बोलने से नहीं, आपकी कार्य पद्धति से वह झलकना भी चाहिए। देखिए, अगर पहले दिन से आप तय करके आगे बढ़ेंगे तो यूपीपीसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को सचिव और कमिश्नर स्तर तक की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम देखते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते अंत में बहुत कम लोग रह पाते हैं। कुछ लोग अपनी आयु सीमा के कारण, कुछ लोग समयबद्ध ढंग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं किसी न किसी भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के और समय उस व्यवस्था से दरकिनार कर दिए जाते हैं। और फिर एक समय जिन लोगों ने शुरू में अपने आप को ध्यान नहीं दिया, पहले दिन से ध्यान नहीं दिया, वे लोग बाद में आगे चल करके स्वयं के लिए एक समस्या खड़ी हो जाते हैं। हम समाज के लिए समस्या न खड़ी करें, बल्कि समाज की समस्याओं के सुलझाने के माध्यम बने, एक बेहतर संवाद के माध्यम से हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। मैं अक्सर देखता हूं, मैं अधिकारियों से कहता हूं, भाई आप जनता दर्शन का कार्यक्रम करिए। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी तमाम व्यस्तताएं हैं,
लेकिन मैं प्रतिदिन जनता दर्शन के कार्यक्रम में जनता से जरूर मिलता हूं। ये सच है कि कोरोना कालखंड में विगत 15-16 महीनों से ये प्रभावित हुआ। मैं लखनऊ में हूं तो लखनऊ में जब कोरोना पीक पे रहता उस समय को छोड़ दिया जाए, उस समय ये प्रक्रिया हम स्थगित कर देते हैं। सामान्य दिनों में 500-600 लोगों से मैं स्वयं मिलता हूं, उनके समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण करने की व्यवस्था भी करता हूं। कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी जनता से स्वयं मिलता हूं, समयबद्ध ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान हो ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करता हूं। अगर यह कार्य हरेक व्यक्ति प्रारंभ कर दे, हरेक व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और मेरा मानना है लगभग 90% समस्याएं थाना और तहसीलों से जुड़ी हुई है, तहसील की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी कर लें, तकनीक का उपयोग कर लें, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर लोग आए हैं वे टेक्नोक्रेट ज्यादा है और उनका दिमाग जाना चाहिए कि हम कैसे तकनीक से आच्छादित करके अपनी तहसील की प्रक्रिया को, या बाद में एक ईडीएम के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, ईडीएम की प्रक्रिया के उस व्यवस्था के साथ आप जुड़ेंगे तो जिस व्यवस्था का दायित्व आपको दिया जाएगा उस समय भी आपको देखना होगा कि तकनीक से हम आच्छादित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम तकनीक इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना करके